वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पोर्टल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे जेई भर्ती 2019 के CBT1 एग्जाम के रिजल्ट डेट के बारे में जानेंगे। रेलवे ने फाइनली ऑफिशियल नोटिस जारी करके आंसर की रिजल्ट और ऑब्जेक्शन ट्रैकर की डेट कंफर्म कर दिया है। तो चलिए रेलवे द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है उसको देख लेते हैं। इससे पहले कि जो कैंडिडेट इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई किसी भी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे उन तक सबसे पहले। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं रेलवे द्वारा जो नोटिस जारी किया है वहाँ पे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दिया है कि वेविंग द क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड की एंड राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन इफ एनी टू क्वेश्चन ऑप्शन एंड की, यानी कि ये जो नोटिस दिया गया है रिस्पांस की देखने के लिए, आंसर की देखने के लिए, अगर किसी भी आंसर पर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन भी राइज कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्या दिया है कि द फर्स्ट स्टेट CBT फॉर JEE DMS CMS पोस्ट अगेन CEN 03 2018 वाज कंडक्टेड ऑन 26 मई 2019 टू 2019 एंड 26 जून 2019 टू 28 जून 2019 इन ऑर्डर टू इनेबल कैंडिडेट हु हैज अपियर्ड इन द CBT 1 टू व्यू दियर रिस्पॉन्स पेपर क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड आंसर की ए लिंक हैज बीन प्रोवाइडेड टू द वेबसाइट ऑफ RRB विच विल बी एक्टिव फ्रॉम 11 जुलाई 2019 टू 14 जुलाई 2019, यानी कि आंसर की रिस्पांस की और ऑब्जेक्शन करने के लिए किसी भी क्वेश्चन पर अगर किसी प्रकार की कोई कैंडिडेट को समस्या है तो उसके लिए रेलवे द्वारा एक लिंक जारी कर दिया गया है जो 11/7/2019 से लेकर 14/7/2019 तक एक्टिव रहेगा। आगे देख लेते हैं क्या दिया है कि आफ्टर व्यूइंग द डिटेल एज एबव ऑब्जेक्शन इफ एनी रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑप्शन एंड की पब्लिश कैन बी राइज बाई द कैंडिडेट फॉर विच द टाइम शेड्यूल फी एंड डिटेल प्रोसीजर एज गिवन बिलो। तो यानी कि रिस्पॉन्स की देखने के बाद यदि किसी कैंडिडेट को किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्शन होता है क्वेश्चन पर, ऑप्शन पर और आंसर पर, तो वो अपना ऑब्जेक्शन कर सकता है जिसकी फीस और टाइम डिटेल और शेड्यूल उसका दे दिया गया। तो क्या टाइम शेड्यूल है वो देख लेते हैं। तो यहाँ दिया है कि व्यूइंग द क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड की एंड राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन, तो जो डेट दिया है 11/7/2019 से आगे दिया है, और क्लोजिंग द ऑब्जेक्शन राइजिंग एंड पेमेंट विंडो तो 14/7/2019 रात को 12 बजे तक कोई भी कैंडिडेट अपना ऑब्जेक्शन कर सकता है। आगे दिया है फीस, ऑब्जेक्शन करने के लिए जो फीस होगी वो दिया है कि द प्रिस्क्राइब फीस फॉर राइजिंग ऑब्जेक्शन इज रिश 50 प्लस अप्लीकेबल बैंक सर्विस चार्ज पर क्वेश्चन, यानी कि कैंडिडेट को एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन करने के लिए 50 रुपया का चार्ज देना होगा। इन केस द ऑब्जेक्शन राइज इज फाउंड टू बी करेक्ट द फीस पेड अगेंस्ट सच वैलिड ऑब्जेक्शन शैल बी रिफंड टू द कैंडिडेट। द रिफंड विल बी मेड टू द अकाउंट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैज मेड द ऑनलाइन पेमेंट, यानी कि कैंडिडेट द्वारा जो भी ऑब्जेक्शन किया जाएगा यदि वो सही पाया जाता है तो कैंडिडेट को जो फीस पे किया था वो उसके उसी अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा जिससे उसने पेमेंट किया था ऑनलाइन। आगे देख लेते हैं क्या दिया है कि प्रोसीजर फॉर राइजिंग ऑब्जेक्शन आफ्टर लॉगिंग टू द ऑब्जेक्शन लिंक द कैंडिडेट व्यू देयर क्वेश्चन पेपर एंड द रिस्पॉन्स बाई क्लिकिंग द क्वेश्चन पेपर एंड रिस्पॉन्स बटन वाइल व्यूइंग द क्वेश्चन इफ एनी इफ दे वॉन्ट टू राइज एन ऑब्जेक्शन फॉर एनी क्वेश्चन दे कैन क्लिक द राइज ऑब्जेक्शन बटन गिवेन बिलो द क्वेश्चन, यानी कि यदि कोई कैंडिडेट ऑब्जेक्शन राइज करना चाहता है तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर एंड रिस्पॉन्स बटन पर क्लिक करके क्वेश्चन पेपर को और आंसर को देखेगा, और उसके बाद यदि किसी भी प्रश्न पर उसको ऑब्जेक्शन राइज करना है तो रेज ऑब्जेक्शन बटन पर क्लिक करके वो आगे अपना प्रक्रिया करेगा। आगे देख लेते हैं कि दिस विल ओपन एन ऑब्जेक्शन पेज देयर वेयर कैन चेंज चूज द टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन फ्राम द ड्रॉप डाउन ऑप्शन एंड फिल द सपोर्टिंग डिटेल फॉर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि किसी भी कैंडिडेट को जिस प्रकार की समस्या हो गया उस समस्या को चूज करके आगे अपना डिटेल फिल करके ऑब्जेक्शन राइज कर सकता है। आगे देख लेते हैं क्या दिया है कि कैंडिडेट कैन राइज ऑब्जेक्शन फॉर ओनली वन क्वेश्चन एट ए टाइम एंड मेक द पेमेंट, यानी कि कैंडिडेट को एक बार में एक ही क्वेश्चन को राइज करना होगा, यानी कि
एक बार में हम एक ही क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ये नहीं कि हम एक बार में एक से ज़्यादा क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि क्लिक ऑन द पे नाउ बटन टू मेक द पेमेंट फॉर शेड्यूल ऑप्शन। ए पेमेंट ऑफ ₹50 हैज़ टू मेट फॉर एवरी ऑब्जेक्शन राइज। ए कंप्लीशन ऑफ सक्सेसफुल पेमेंट द ऑब्जेक्शन विल बी रिकॉर्डेड एंड विल बी रिडायरेक्टेड एज ऑब्जेक्शन समरी पेज। यानी कि यदि कैंडिडेट ऑब्जेक्शन करने के बाद पेमेंट नहीं करता है तो उसको उस ऑब्जेक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा और उस ऑब्जेक्शन पे किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्शन को देखा नहीं जाएगा, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। द सेम प्रोसीजर शैल बी एडॉप्टेड फॉर राइजिंग सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्शन। यानी कि जो प्रोसीजर कैंडिडेट ने पहला ऑब्जेक्शन राइज करने के लिए किया था, तो वही प्रोसीजर अगर उसको और क्वेश्चन पर राइज करना है तो वो को करना होगा। आगे कह दिया है कि द कैंडिडेट आर एडवाइज टू राइट ऑब्जेक्शन इफ एनी वेल बिफोर द फाइनल डेट एंड टाइम दैट इज 14 जुलाई 2019 12 PM। यानी कि कैंडिडेट को अगर किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन करना है तो अंतिम तिथि और समय से पहले ऑब्जेक्शन कर लेना होगा। आफ्टर विच नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कैंडिडेट ऑन द क्वेश्चन ऑप्शन की इज विल बी इंटर्ड। यानी कि उसके बाद किसी भी प्रकार की किसी कैंडिडेट का ऑब्जेक्शन नहीं मान्य होगा। आगे देख लेते हैं क्या दिया है कि द डिसीजन ऑफ RRB ऑन द ऑब्जेक्शन राइज शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग एंड नो फर्दर कॉरेस्पॉन्ड शैल बी इंटर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट इन द मैटर। यानी कि जो डिसीजन होगा RRB के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्शन पर वो फाइनल होगा और उसके बाद किसी भी कैंडिडेट का कोई भी रिस्पॉन्स स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमारे चैनल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।